अच्छा खासा सोया हुआ था, पता नहीं कंबल में हवा कहाँ से घुसने लगी, फिर मैं कंबल में लात पैर चलाने लगा और मेरी नींद खुल गई। बैठो बैठो चार बाग बाहर आया तो देखा कि आज सुबह सुबह मम्मी लोग मंदिर चले गए। ठंड बहुत ज्यादा थी तो मैंने जैकेट पहन लिया और मैं चला गया किचन में खाना ढूंढने के लिए। और ये क्या, सिर्फ एक रोटी? अब लगता है आज भूखा ही मरना पड़ेगा। अरे हाँ, घर में मिठाई भी तो रखी थी, मिठाई खा लेता हूँ। अब ये मिठाई खाते खाते मैं छत पे पहुँच गया। यहाँ मैंने देखा कि दद्दू जी पूरी डेडिकेशन के साथ एकाग्र होकर काम कर रहे थे। अब इनको इतना काम करते देख मुझे बहुत तेजी से भूख लगने लगी। अब ये जादू का सौतेला भाई चुपके से मेरी वीडियो क्यों बना रहा है? कहीं ये मेरा फेस रिवील तो नहीं कर देगा? नीचे आते ही भाई ने बोला कि जा जाके छोले भटूरे ले। अब खाने को मना करता अच्छा थोड़ी लगता यार। ये भटूरे की भी क्या मस्त जिंदगी है ना, जो तेल में जाते ही मुंह फुला लेता है और मुंह में जाते ही पेट फुला देता है। और भैया मुझे अपना पेट नहीं फुलवाना है, इसलिए मैंने पूरी पैक करवाई। अब घर आते ही मैं अपनी भूख को पूरी से शांत करने लगा और चाचा को दे दिए मैंने भटूरे। तो दोस्तों इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? यही कि सर्दियों में आप जितना भी अच्छा कंबल क्यों ना ओढ़ लो, हवा कहीं ना कहीं से तो घुस ही जाती है।